घुरूर में धान खरीदी के पहले दिन से ही जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए और अपने अपने क्षेत्र के केंद्रों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे। इस क्रम में जिला पंचायत सदस्य व जिला सहकारिता एवं उद्योग विभाग के सभापति मीना सत्येंद्र साहू और जनपद अध्यक्ष प्रभात कुमार ध्रुवे भी केंद्रों के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के अलावा हमलों और जाकी से भी मुलाकात की और सोसाइटी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धान की क्वालिटी चेक की, किसानों से नमीयुक्त धान ना लाने की अपील की, तो वही सरकार की नई व्यवस्थाओं से किसानों को अवगत कराया गया। किसी भी तरह की परेशानी हो तो तत्काल सूचित करने की अपील भी किसानों से की गई। वही सोसाइटी प्रबंधन को भी किसानों की समस्याओं को दूर करने, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने की नसीहत दी। इस दौरान मिर्री टोला अध्यक्ष भगवान दास, प्रबंधक जयंत सिन्हा, फागुंदा धीरपाल, चंद्राकर प्रबंधक राजेंद्र राव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। धान खरीदी की शुरुआत किए जाके तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित हमर सोसाइटी के अध्यक्ष भाई मसूरिया जी, सम्मानित हमर जनपद के अध्यक्ष भाई प्रभात ध्रुवे जी, सम्मानित हमर साहू जी, सम्मानित हमर किसान भाई मन, सम्मानित हमर माता दीदी मन, प्रणाम है। और सबसे पहले तो हमर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आज 1 नवंबर के धान के खरीदी के शुभारंभ किए है, तो आज हमर किसान भाई मन हा अपन मेहनत के फसल ला आज हमर सोसाइटी में बेचे बर ला है और बहुत ही खुशी और उल्लास से हमर किसान भाई मन ला। तो मैं हाँ मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि आप मन हा किसान मन के दुख दर्द ला देखते हुए 1 नवंबर के आप मन हा आज शुभारंभ करे हो, ओकर लिए हमर मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय और लक्ष्मी माता की अमृत। हमर किसान भाई मन ला भी बहुत बहुत बधाई। आज 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में कई जगहों पर हमारे किसान भाइयों की मेहनत, चार महीने की मेहनत को आज 1 नवंबर से खरीदी केंद्र में खरीदी किया जा रहा है, जिसके लिए हम अपने प्रदेश के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही सभी किसान भाइयों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस साल हमारे प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है कि किसानों भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी ना होए, जिसमें प्रमुख रूप से जो पिछले साल बारदाना की दिक्कत आई थी, इस साल प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से बारदाना की व्यवस्था कर चुकी है और उम्मीद है कि इस साल किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार से मैं समस्त किसान भाइयों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष गुरु प्रभात ध्रुवे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।